आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। देश में बढ़ा कोरोना का खतरा, बीते 24 घंटे में 13,154 नए संक्रमित मिले। मुंबई में फीका रहेगा न्यू ईयर का जश्न, आज से 7 जनवरी तक धारा 144 लागू। शेयर बाजार में लाल निशान पर शुरुआत, सेंसेक्स 158 अंक टूटकर 57,650 के नीचे, निफ्टी में मामूली गिरावट। पीएम मोदी आज उत्तराखंड के दौरे पर, 17,500 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। राजभवन में बनेगा फैमिली वेलफेयर सेंटर, शनिवार को होगा ओपन डे। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तराखंड बुलेटिन की। खबर हल्द्वानी से है, जहां पीएम मोदी आज जनसभा को संबोधित करेंगे। यहां वो 17,500 करोड़ की विकास परियोजना का शिलान्यास और लोकार्पण करके वो कुमाऊं की 29 विधानसभा सीटों के लिए हुंकार भरेंगे और ये योजनाएं ऐतिहासिक होंगी। पीएम 500 करोड़ के एम्स सैटेलाइट सेंटर समेत जल विद्युत, जल जीवन मिशन, एरोमा पार्क समेत 14,127 करोड़ रुपए की परियोजना का शिलान्यास करने के साथ ही 3,420 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट जनता को समर्पित करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले चुनावों के लिए आज हुंकार भरेंगे उत्तराखंड से और कई बड़ी योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। आपको बता दें कि पीएम कुमाऊं की 29 विधानसभा सीटों के लिए हुंकार भरेंगे और ये आयोजन ऐतिहासिक होगा। पीएम 500 करोड़ की एम्स सैटेलाइट सेंटर समेत जल विद्युत, जल जीवन मिशन, एरोमा पार्क समेत 14,127 करोड़ रुपए की परियोजना का शिलान्यास करने के साथ ही 3,420 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट जनता को समर्पित करेंगे। तो आज कई प्रोजेक्ट जनता को समर्पित करेंगे, हुंकार भरेंगे उत्तराखंड से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उत्तराखंड के हल्द्वानी में आज मौजूद रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तराखंड दौरे पर नजर आ रहे हैं। आगामी 2022 में चुनाव है, जिससे पहले ही बीजेपी सरकार को जिताने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड में नजर आने वाले हैं। जनसभा को संबोधित करेंगे, अपने काम के बारे में बताते हुए नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 5 साल में जितना काम किया गया है बीजेपी द्वारा, साथ ही बीजेपी द्वारा जो विकास कार्य करे जा रहे हैं, सभी का ब्यौरा देते हुए नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। किस तरह से बदलाव देखने को मिला है उत्तराखंड में और पहले की सरकारों ने क्या कुछ किया है, तमाम चीजों पर बात कर सकते हैं जनसभा में पीएम मोदी। खबर रुड़की से है, जहां भाजपा विधायक प्रदीप बत्रा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के सभी जगह प्रोग्राम चल रहे हैं, जैसे ओबीसी मोर्चा सम्मेलन, महिला मोर्चा सम्मेलन, विजय संकल्प यात्रा, तो ऐसा लगता है कि जैसे पूरा वातावरण भाजपा के रंग में ही रंग गई हो। आगे उन्होंने कहा कि जनता खुद महसूस कर रही है कि इतना विकास पिछले 65-70 वर्षों में नहीं हुआ, जितना विकास 6-7 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे देश में हुआ है। खबर विकास नगर से है, जहां बाड़वाला क्षेत्र में पानी की समस्या को लेकर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने लगभग 417 लाख रुपए पेयजल लिफ्ट पंपिंग योजना का भूमि पूजन किया और इस लिफ्ट पंपिंग पेयजल योजना को उत्तराखंड पेयजल संसाधन विकास और निर्माण निगम 6 महीने में पूरा करेगी। इस दौरान मौके पर विकास नगर ब्लॉक प्रमुख जसविंदर सिंह और पेयजल संसाधन निर्माण निगम के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। शुरू किया जमनीपुर, तप्पड़, फलाना लेकर के बादशाही, वहां लेकर के लंबरपुर वगैरह 7-8 घंटे पैदल चला, पैर सूज गए, लेकिन हमने जनता की हिफाजत करने का जिम्मेदारी ली। और जब नेता करता है ना, हुआ क्या, अभी भी मैं आपको कह रहा हूं, फिर सावधान रहने की जरूरत है।
कोरोना वायरस का जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है यदि उसे कम खतरनाक बताया गया, लेकिन उसकी संक्रमण की रफ्तार पहले से 70 गुनी ज्यादा है, इसलिए आपको अपने बच्चों वगैरह की देखभाल। राज्यपाल ने लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सैनी ने कहा कि राजभवन में जल्द ही फैमिली वेलफेयर सेंटर बनाया जाएगा। इसमें राजभवन में तैनात कर्मिकों एवं उद्यान कर्मिकों, दैनिक श्रमिकों की पत्नी, बेटी और परिवार की महिला सदस्यों को विभिन्न प्रकार के स्वरोजगार का प्रशिक्षण दिया जाएगा। जरूरतमंद और स्वरोजगार की इच्छुक महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त एवं आत्मनिर्भर करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कार्मिकों की समस्या के निदान को शनिवार को ओपन डे घोषित किया, जिसमें कार्मिक अपनी समस्या सीधे राज्यपाल को बता पाएंगे। उन्होंने कहा कि राजभवन की महिला अधिकारियों, बालिकाओं और महिलाओं को आत्म सुरक्षा का प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षण केंद्र भी खोले जाएंगे। खबर सीतारगंज से है, जहां पे नानकमत्ता थाना क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पुलिस को यह सूचना मिली कि 4 लोगों की हत्या हो गई है। हालांकि पुलिस को अभी तक हत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। वहीं हत्या की सूचना मिलने के बाद जिलाधिकारी युगल किशोर पंत और एसएसपी उधम सिंह मौके पर पहुंचे और एसएसपी ने घटनास्थल का जायजा लेकर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। हमको जानकारी मिली है भाई, और इसमें पूरी हमारी टीम घटनास्थल का निरीक्षण हम लोग कर चुके हैं। डीएम साहब भी मेरे साथ हैं, हमारी टीम ने निरीक्षण कर लिया है। फॉरेंसिक हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी आए हुए हैं, हमारा जो स्नाइपर डॉग है वो भी पहुंच गया है, और पूरे दोनों घटनास्थल और इसके तह में जा कर के हम लोग जाँच कर रहे हैं। दोनों घटनास्थलों को देख करके ऐसा लगता है कि ये मर्डर जो है रंजिशन हुआ है, ठीक है। उसके कुछ क्या क्या आयाम हो सकते हैं रंजिश के, वो हम देख रहे हैं। खबर लक्सर से है, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश में लक्सर, खानपुर और पथरी पुलिस ने अवैध कच्ची शराब के खिलाफ एक विशेष अभियान चलाया, जिसमें 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें सभी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। ये विशेष अभियान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के दिशा निर्देश में चलाया गया और इसके तहत अभियान अभी जारी रहेगा। अभी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार के दिशा निर्देशन पे अवैध शराब के संबंध में अभियान चलाया जा रहा है। उसमें जो है कल जो है थाना पथरी पुलिस द्वारा एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। वो भट्टी चला रहा था शराब की और 10 लीटर लान बरामद हुआ है, और उसी तरह से जो है थाना लक्सर वालों ने 4 मुकदमे दर्ज किए हैं। एक भट्टी पकड़ी गई है और उसमें करीब 48 लीटर शराब जो है रिकवर हुई है, और खानपुर पुलिस ने भी 2 आरोपियों 2 मामलों में जो है 20 लीटर शराब जो है रिकवर किए है, और आगे भी इस तरह की कार्रवाई चलती रही। जो अभी पकड़े गए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।